हेलो गाइस, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है ब्रिज मोहन और आप सबका स्वागत है सपनों की नगरी मुंबई से एक बार फिर से। दोस्तों, अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय निकालकर आपके बीच एक व्लॉग लाया हूं फिर से। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने मेरे मराठी भाई लोग देख रहे हैं उनको गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभेच्छा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, तो आप लोग बने रहे, वीडियो में क्या होता आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, रोज की तरह आ गया हूँ मैं बस स्टॉप में। अब इंतज़ार है तो सिर्फ बस का। यहाँ से 320 नंबर और 25 नंबर बस पकड़ के मेरे को जाना होता है BKC। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं कितने देर में आती है। गाइस, आज काफ़ी आरामदायक सीट मिली बस में, ट्रैफिक भी नहीं था, क्योंकि यार आज गुड़ी पाड़वा का दिन है तो ज़्यादातर लोग छुट्टी में, आज इस वजह से आज मस्त आराम से बैठ के आया। और दिखाता हूँ आपको आगे का क्या होता है आगे को। गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहे हैं, एक घंटे में पहुँच चुका हूँ मैं BKC। और आज का ब्लॉग मैं दिन में नहीं बनाऊंगा क्योंकि आज शाम को मैं जाने वाला हूँ बैंड स्टैंड, तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। कौन पिला गाली दिया ना तूने भाई? कहाँ गाली दिया था, झूठे के भोपड़े के लाल। पहले वाले ब्लॉग में देखना जब मैंने देखो बिहारी बोला था उस बार। तो बिहारी दिखता हूँ तो यूपी बिहार बाय बाय है ना। तो गाइस, ये है शिवा मेरा फ्रेंड। और देखिए यार, BKC में क्या मस्त सीन, मैं सोचा था शाम को बनाऊंगा लेकिन एक सीन शूट कर लेते हैं, एक सिनेमेटिक दिखा देते हैं आपको। तो गाइस, ये है सर्वेश, आज ऑफिस स्टाफ से मिला देता हूँ। हेलो बोलो सर्वेश भैया। कानपुर वाले चाचा, कानपुर वाले चाचा है। और ये चरण भाई जो कि रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, पहाड़ी बंदा। सागर भैया, आपको हिंदू नववर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। आपको भी बहुत बहुत नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। कौन पेलेगा किसी दिन बिना किसी के? अबे पहुंच गए क्या? तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं छूट चुका हूँ अपने ऑफिस से। और सुबह सोच रहे थे कि बैंड स्टैंड जाएंगे घूमने फिरने के लिए, तो यार काफ़ी लंबा पड़ता है जिस वजह से काफ़ी थकान भी हो जाती है ना दिन भर काम करने से। और अब यहाँ से कैसे जाएँ समझ में नहीं आ रहा है, देख लीजिए। सब मेरे ऑफिस वाले हैं, मतलब मेरे साथ ही काम करते हैं सभी लोग, और सबका ही स्टोरी है यार मुंबई में, मतलब ना रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर अभी टैक्सी वैक्सी, तो गाइस ये है हमारे सीनियर पर्सन खामा भाई, तुम्हारा नववर्ष। हेलो, क्या हो गया? अरे गाइस, अभी मैं उस साकिनाका में, और यहाँ से पैदल ही जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था जिस वजह से मैं उतर गया बस से। और मुझे पैदल चलना ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पता है पैदल चलने से ना हमारे शरीर में एक्टिविटी बनी रहती है और मतलब एक्सरसाइज भी हो जाती है। जैसे दिन भर हम एक ही जगह पर बैठे बैठे काम करते हैं तो उससे मोटापे का खतरा होता है, थोड़ा बहुत पैदल चल लोगे तो मतलब एक्सरसाइज हो जाती है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, और कल मिलता हूँ मैं आपको अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना है आज की।